दोस्तों, कैसे हैं? आज 23 अगस्त है और आज संडे का दिन है। और जो स्क्रिप्ट लेके आया था, शेयर लेके आया था, वो था ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम और स्मॉल स्केल में सेक्टर में काम करती है। और सॉफ्टवेयर में चुकी अभी आप देखेंगे कमिंग डेज में ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। और इसने भी एक अपने मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये अभी अपने 50 के पहले 552 को भी ब्रेकआउट दिया था, और अभी 698 रुपये जो कि 100 की मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को भी ब्रेकआउट दिया है। तो कहीं ना कहीं 871 की ओर जाते हुए ये आपको दिख सकता है। ये क्लास सर्विसेस अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 6 जुलाई 2020 को ही बाय बैक किया था 550 रुपये के आसपास में। इन्होंने 109.5 करोड़ का बाय बैक अप्रूव किया था। इसकी जो शेयर होल्डिंग है, आप अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो अभी रिसेंटली जून 2020 से जुलाई 2020 में ही 50 से 53 हुआ है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है और वहीं कोई गिर भी नहीं है इसका शेयर। और जहाँ तक हम क्वार्टरली सेल की भी बात करें तो क्वार्टरली आप देखेंगे मार्च में 351 करोड़ से 337 करोड़, कहीं ना कहीं ये अपसाइड गया है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है सेल्स ग्रोथ है, उतना अच्छा सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये अभी भी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अपना पुराने सेल्स ग्रोथ को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% है, वो एक अच्छा सिग्नल है। तो अगर हम इसके डेप्ट नहीं है इसका, एक अच्छा चीज़ है, 156 करोड़ सिर्फ है, जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340 करोड़ है। इसका जो हाई देखेंगे आप, हाई देखेंगे तो अगर इसका ये कहीं ना कहीं ये 1500 के आसपास का हाई बनाया हुआ है, 1540 2018 को बनाया था इसने, और वहीं से ये कहीं गिरा हुआ था। इसका अगर मैक्सिमम देखेंगे तो वहीं कहीं ये 1500 के आसपास था, वहीं से ये गिरा हुआ था। और अब कहीं ना कहीं एक पैटर्न डब्लू का बना हुआ है, ये देखिए डब्लू पैटर्न है, और इस पैटर्न को कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए जा रहा है। हो सकता है कि ये आपको अब एक बार अपने 200 मूविंग एवरेज को 871 को टच करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो इसके 52 देखेंगे यहाँ पे तो 1628 बता रहा है, तो कहीं 1628 के आसपास हाई बना हुआ था इसका। तो वहाँ से ये गिरते हुए नीचे की ओर आया था, और अब ये कंटिन्यूस यहाँ पे बॉटम और बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पे भी देखें तो ये अभी अपने 652 के लेवल को क्रॉस करता हुआ, जो कि इसका स्टॉप लॉस भी हो सकता है फ्यूचर का, आगे में अगर रहे तो 650 का स्टॉप लॉस रखें इसमें। और कहीं ना कहीं ये पहला 837 दूसरा 986 की ओर जाता हुआ भी दिख सकता है। इसमें चार्ट पैटर्न में देखें तो एक अच्छा चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक RSI रिवर्सल है। अब यहाँ पे देखिए RSI में थोड़ा सा रिवर्सल है। दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम दिखते हुए हो रहा है, दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं अपने डबल जो टॉप है इसका डबल को भी यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। ₹683 के क्रॉस करके और वॉल्यूम के साथ भी अच्छा है, यहाँ पे इसने क्रॉस भी किया हुआ है 683, एक रेसिस्टेंस को वहाँ पे क्रॉस किया है विद वॉल्यूम क्रॉस किया है। तो इसमें एक ब्रेकआउट है, हो सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिले। मेरा कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन है, इसी मेरा ओपिनियन है, बाय सेल करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ईक्लर्क्स सर्विसेज इज एंगेज्ड इन द वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज अक्रॉस फाइनेंशियल सर्विस, केबल एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशंस, रिटेल्स, फैशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेवल एंड लेजर, सॉफ्टवेयर एंड हाई टेक्निकल्स। मैं ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती है, मीडियम स्केल से, वहाँ पर ये उसका ये बिजनेस है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा बूम देखने को मिल रहा है। अब रिसेंटली जो लास्ट डे 21 अगस्त को ये क्लोज हुआ, 736 पे एनएससी पे क्लोज हुआ है, फिर 3% अब के साथ हुआ है।
आप देखेंगे तो ये सारे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है, 30-50 अगर सिंपल मूविंग एवरेज की बात, और डिलीवरी कहीं ना कहीं 38%, 35%, 40% दिख रहा है। लास्ट 3 डेज में देखेंगे तो 38% की डिलीवरी भी दिख रही है, तो डिलीवरी भी 38-40% हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट होने की यहाँ पे संभावना है। और म्यूचुअल फंड में होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखेगी, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जो है अब जून 2020 में देखेंगे तो DSP ने यहाँ पे ओपन डायरेक्ट में ग्रोथ में एक बढ़ाया हुआ है। तो HDFC चिल्ड्रेन के पास भी है, HDFC चिल्ड्रेन गिफ्ट के पास भी है, HDFC लॉन्ग टर्म डायरेक्ट ग्रोथ में भी है, HDFC के पास भी, SBI स्मॉल कैप फंड ने भी इसको लेके रखा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं जून 20 में जो नंबर आपको दिख रहे, नंबर ऑफ शेयर्स अप डाउन वो हुए हैं। तो रिसेंटली अगर DSP स्मॉल कैप फंड कर रही है, HDFC चिल्ड्रन खरीद रही है, SBI खरीद रही है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक अच्छा होल्डिंग पैटर्न जो दिखने को समझ सकते हैं कि वो अपने को म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे 21 से 11 से 21-54 की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है। और FI जो है यहाँ पे 15.85 हाईएस्ट FI भी है। तो ई क्लर्क्स में देखें तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है विद दिस वॉल्यूम। RSI ऑलरेडी यहाँ पे 72 है, अगर ये वीकली बेसिस पे देखें, और अगर इसको मंथली बेसिस पे देखें तो 49 है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये अप डाउन आपको देखने को मिले, तो 650 का जो आपको बताया था स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो ये ब्रेकआउट हुआ था 648 के आसपास, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं आपको जो नेक्स्ट असिस्टेंस है इस लेवल तक, पहला तो आपको इधर ही यहीं पर मिल जाएगा, आपको यहाँ से भी दिखाया गया था, तो पहला आपको 837, दूसरा 986 की ओर जाता हुआ आपको देख सकते हैं, या आप अपने मूविंग एवरेज को छोड़ेंगे यहाँ पे तो इसकी मूविंग एवरेज से भी अगर देखेंगे तो 876 की ओर आपको जाते हुए दिखेगा, या 833-876 की ओर जाते हुए दिखेगा मंथली में। और वीकली बेसिस पे भी देखें तो ये आपको 944 की ओर जाते हुए आगे दिख सकते हैं। तो कहीं से भी आप देखने की कोशिश करें, इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है और हो सकता है कि यहाँ से आपको ये अच्छा खासा मूव करते हुए दिखे। और सिंपल अगर कुछ भी नहीं देखें तो मेरे अंदर से ये यहाँ पे 916 के आसपास, 914-916 यहाँ की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। यहाँ इस लेवल पे आपको जाते हुए रेसिस्टेंस वहाँ पे आपको फिर से एक्यूरेट आपको देखने को मिल सकता है। तो 650 के स्टॉप लॉस से इसको 887 के टारगेट के लिए को पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वॉचलिस्ट रख सकते हैं, व्यू रख सकते हैं, और ये अपने रेसिस्टेंस को चूंकि यहाँ पे डबल टॉप के रेसिस्टेंस को क्रॉस किया है तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी देखने को मिल सकता है। RSI भी पॉजिटिव है, अगर हम इसको और डिटेल में देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं इसको, MACD लाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब MACD भी देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, MACD में भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो हर तरीके से कहें ना इक्लर्क सर्विसेज में एक ब्रेकआउट देखने को आपको मिल सकता है। इक्लर्क सर्विसेज पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद इस पर पोजिशन की ओर देख सकते हैं। एक टेक्निकल ब्रेकआउट अच्छा है, लेकिन इसका एक कांस्टेंट सेल्स ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं है। ये डाटा सर्विसेज में काम करती है, बट बहुत अच्छा सर्विसेज में इसको ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, 2-3% है, इसके लिए ये ट्रैप हुई थी आगे भी। तो एक पोर्टफोलियो में रखने जैसा नहीं, लेकिन ट्रेडिंग करने जैसा इसको रख सकते हैं, 900-1000 के टारगेट के लिए यहाँ पे देखा जा सकता है। तो एक क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
850-900 के टारगेट के लिए आप इसको व्यू में, वॉचिंग लिस्ट में अपने रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत